चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ज्योति मिर्धा पहुंची है प्रदेश भाजपा कार्यालय, ये देखिए तस्वीरें, सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। एक बार मिल आऊं सब, मैं वापस आ जाती हूं, मिल के आती हूं, 2 मिनट मैं सब मैं आकर के सबको तो देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपकी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर पहुंची है ज्योति मिर्धा, क्योंकि शिष्टाचार भेंट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब वो हैं। और अब आपको जो तस्वीरें नजर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की है, जयपुर से नारायण पंचारिया व प्रदेश के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही है ज्योति मिर्धा। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंची है ज्योति मिर्धा। परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही है और इसको लेकर के लगातार फीडबैक भी ले जा रहे हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा एक ऐसा नाम जो कि नागौर की राजनीति से आती हैं, बड़ा कद उनका नागौर की राजनीति में, उनके परिवार के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन अब चूंकि पाला उन्होंने बदल लिया है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उनके सामने चुनौतियां भी अपने आप को साबित करने की, प्रूव करने की रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की दो बड़ी चुनौतियां। लेकिन ज्योति मिर्धा अब फील्ड में नजर आने लगी हैं। ज्योति मिर्धा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से एक शिष्टाचार भेंट वहां पर रखी गई है। नारायण पंचारिया व प्रदेश के पदाधिकारियों से मुलाकात, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आज शिष्टाचार भेंट, और खासतौर पर जितने भी लोगों ने बीते दिनों कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा या फिर किसी और दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, किसी और बैकग्राउंड या फिर ऑक्यूपेशन से शामिल हुए, उनके साथ में अब एक नई टीम भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी कर रही है, वो भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर कितना प्रभाव डाल पाएगी आने वाले चुनावों में, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ज्योति मिर्धा जो कि एक बड़ा नाम रहे हैं नागौर की राजनीति में, उनके पूरे परिवार का बड़ा राजनीतिक कद रहा, लेकिन साथ दूसरे दल का था। फिलहाल तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से, जहां पर शिष्टाचार भेंट के लिए ज्योति मिर्धा पहुंची। तो चलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय आपको लिए चलते हैं। ज्योति मिर्धा पहुंची है, वहां पर मीडिया से रूबरू हो रही है, सुनिए। कोई FIR नहीं रखी हुई है, तो हनुमान बेनीवाल जी से मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें और ऐसे अनर्गल किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं कि दबाव के अंदर हो। जो लोग ज्योति मिर्धा को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ज्योति मिर्धा को आप आर्म ट्विस्ट करके कोई राजनीति तो छोड़ो, कोई दूसरा काम भी मुझसे नहीं करवा सकते। कैसे आप उन्हें चुनौती देंगे मैडम, क्योंकि आप चुनौती आपके सामने फिर से बड़ी रहेगी, बीजेपी के साथ में आप जाएंगे तो कैसे उन्हें चुनौती आप देंगे? देखिए, चुनौती देने की बात ही नहीं है, वो चुनौती में कहीं अड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर बाद में ये बात बोली कि साहब आपने बीजेपी का दामन क्यों थामा था। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि एक परिवार से मेरी राजनीतिक रंजिश थी और उसको हराने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा वोटों की जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि पहली बात उनके पास पूरे वोट नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था सिर्फ मुझे हराने के लिए। आज बीजेपी से उनका गठबंधन टूट चुका है, कांग्रेस के अंदर नेता खुले में उनकी खिलाफत करने के अंदर आ रहे हैं कि ये जो अंदर खाने जो आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं या ठगबंधन की बातें कर रहे हैं, इनको बंद करिए, हम नहीं चाहते कि आप अपना काडर कमजोर करें। तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, चाहे वो हमारे सचिन पायलट जी हों, चाहे वो हरीश चौधरी जी हों, चाहे दिव्या मदेरणा जी हों, सारे ओपन में आकर के और कांग्रेस के अंदर भी यही कहने की गठबंधन मत करो। अगर अकेले में हनुमान बेनीवाल आते हैं तो मेरी चुनौती है उनको कि आए और चुनाव लड़े। पार्टी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अपनी वहां पर अगर आपको अगर दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं तो आए और चुनाव लड़े और वही घोड़ा वही मैदान। नागौर कांग्रेस का गढ़ रहा, क्या माना जाए बीजेपी का गढ़ बनेगा नागौर? देखिए साहब, नागौर ऐसी जगह है जहां से राजनीतिक आवाज उठती है राजस्थान के अंदर, तो बात पार्टियों की नहीं हो रही है, बात इस वक्त ये हो रही है कि माहौल क्या बनेगा, और नागौर में जो माहौल होगा वो पूरे राजस्थान के अंदर जाएगा, इस बात से कोई भी डिनाय नहीं कर सकता। और आज जो माहौल, जो मुझे अभी मेरे को नागौर जाना बाकी है, लेकिन जो माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों में जोश है, यात्रा है, कल परसों के अंदर जैसा पार्टी आदेश करेगी यात्रा के अंदर सम्मिलित होना है, वरना खरनाल हम हर बार जाते हैं, कोई भी नई शुरुआत करते हैं, जैसे परिवार हमारा रहा है तो खरनाल जाएंगे, नागौर जाएंगे, लोगों के साथ जो जोश होगा वो आप लोगों तक भी पहुंचेगा। टिकट को लेकर के आप आश्वस्त हैं? टिकट को लेकर के पार्टी में आने के साथ मैं
मैंने क्या कहा आपसे, मैं एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह से पार्टी के साथ में लग के, अगर पार्टी को लगता है कि मेरा चुनाव लड़ना उनके ज्यादा हित की बात है तो चुनाव लड़ूंगी, वो कहेंगे चुनाव मत लड़ो तो मुझे कोई चुनाव लड़ने की ऐसी अड़ी भी नहीं।